मैं आज क्यों रो रहा हूँ, 1962 के बाद हमने सबक सीखा, शास्त्री जी आए और आपने देखा फर्क जो पड़ा 1965 में, और उससे बड़ा फर्क पड़ा जब इंदिरा जी आई, इसमें कोई शक की बात नहीं। दो तोड़ के रख दिया पाकिस्तान को, बिकॉज वी लर्न द लेसन एंड वी बिकेम रियलिस्ट। प्रॉब्लम क्या आई साहब, पिछले दशक में, 10 सालों में, वी हैव गॉन बैक टू द नेहरूवियन नैरेटिव, नॉन अलाइनमेंट 2.0। वो खोल के फिर से निकाल दिया गया पेपर की साहब, हमको कहा अब क्या बोला जा रहा है साहब, क्या फायदा है, ये फौजी साहब फालतू में पैसे ले रहे हैं, क्यों स्ट्राइक कोर चाहिए, नहीं साहब थिन रेड लाइन चाहिए और बाकी हम गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे अंग्रेजों के, जो भी चीनी आते हैं। अरे गुरिल्ला वॉरफेयर करते करते बेचारे हमारे तिब्बती भाई बहन मारे गए, खलास हो गए, क्या चीन ने छोड़ा तिब्बत? अरे वो बहुत क्रूर देश है वो, आपके नाटक से वो, अगर आप अहिंसावादी वहां करने गए तो आपकी वो गत बनाएंगे कि तीसरी अहिंसा हिंसा सब भूल भाल के आप सीधे चलेंगे बिल्कुल। तो ये नाटक, इसलिए देखिए आज मैं कह रहा हूं नेताजी इज रेलेवेंट, क्योंकि उन्होंने बताया कि एक देश के जीवन में वायलेंस, कंट्रोल्ड वायलेंस का होना जरूरी है, ताकत का होना जरूरी है, शक्ति का होना जरूरी है। आप शक्ति विहीन राष्ट्र होकर रह नहीं सकते, आपको जूते खाने पड़ेंगे। और आपको आज, आपसे 1/5 हिस्से का जो देश है पाकिस्तान, वो लात लगाए फिर रहा है। उसने साहब पहले वहां पे शुरू करी पंजाब में टेररिज्म, 21,000 भारतीय मारे, उसके बाद उसने जम्मू कश्मीर में शुरू करी, 44,000 भारतीय मार दिए, और अब पूरे भारतवर्ष में इस फेयर गेम, चाहे दिल्ली हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे वाराणसी हो, सब जगह बम फट रहे, आपके 15,000 और मर गए, कुल मिलाकर आपके कोई 80,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक शहीद हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं पाकिस्तानियों के हाथ, टेररिस्ट, उसके भेजे टेररिस्टों के हाथ, उसके अप्रत्यक्ष युद्ध के मारे आप लोग भारतीय शहीद हो रहे हैं। तो क्या हम गाय भैंस बकरी हैं? क्या किया है आपने पाकिस्तान का आज तक, मुझे प्लीज बता दीजिए, क्या किया है हमने पाकिस्तान का, व्हाट हैव यू डन टू रेज कॉस्ट? क्योंकि ये मानसिकता आ गई है आपकी ब्यूरोक्रेसी में, आपकी सारी सर्विसेज के अंदर, और वहां पे जाके बैठ के थैंक गॉड हमने जो असली आजादी मिली है वो मिली है 2014 में, क्योंकि पहले बार हिंदी बोलने वाले दिल्ली में आके राजपाट राजगद्दी पकड़े, हिंदी बोलने वाले छोटे गांव से, मुफस्सिल के शहरों से, वो लोग आके भारतवर्ष में राज गए। नहीं तो यहाँ पे एक अंग्रेज गए, एक शाही खानदान छोड़ गए, जिसमें केवल श्वेत चमड़ी वाले जो हैं वही राज कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय आप तो कुत्ते हो, आप तो जो है आप आपस में लड़ते मरते रहते हो, जातिवाद पे बटे हो, धर्म पे बटे हो, भाषा पे बटे हो, आपको राज करने के लिए पहले अंग्रेज बोलते थे यू नीड अ फॉरेन पावर, यू नीड ओनली अ फॉरेन पावर कैन गिव जस्टिस। अपनी कॉन्स्टिट्यूशन खोलिए प्लीज, जाके जब वापस जाते हैं आपको प्रतिलिपियां मिल जाएंगी कॉन्स्टिट्यूशन की, जरा प्लीज खोलिए, उसका पहला प्रीएम्बल पढ़िए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व्ड एटसेट्रा एटसेट्रा टू गिव आवरसेल्व्स, पहली चीज क्या बोली है आपने, जस्टिस, जस्टिस विच इज अ कैरी ओवर ऑफ द कॉलोनियल कॉन्सेप्ट ऑफ इंपीरियल जस्टिस, कि केवल अंग्रेज शासक ही, ये इतना बटा हुआ देश है, ये इतना आपस में लड़ाई है इसकी जातियों में, जनजातियों में, धर्मों में, कास्टों में, कि इसमें केवल बाहर वाले राज कर सकते हैं और वो ही जस्टिस दे सकते हैं, इंपीरियल जस्टिस इज द फर्स्ट क्वालिटी। मैं पूछता हूं व्हाई नॉट फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये क्यों नहीं पहले आया, क्यों आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस पहली चीज है? क्योंकि इंपीरियल जस्टिस से वो आया, आपने सीधा सीधा जैसे अंग्रेज आपको छोड़ गए, जैसे बना गए वो आप छोड़ गए, अंग्रेजियत नहीं गई आपकी अभी तक, अंग्रेजियत नहीं गई आपकी अभी तक, अंग्रेज चले गए आपकी दुम में वो ऐंट छोड़ गए। इसलिए नेताजी इज इंपॉर्टेंट, ही वॉज अ नेशनलिस्ट, ही वॉज अ ट्रू नेशनलिज्म, कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। और आज आप ये डिबेट फिर शुरू करें नेताजी की, उसका नाम ही तर जाएगा तुम लोगों को, हम लोगों को, फेक नेशनलिज्म जगा सकता है इस देश की सोती नेशनलिज्म। और मैं आपको बताऊं, मैं डोबल जी के साथ था विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में,
आज से 4-5 साल पहले। उन्होंने उस वक्त मुझे बोला, मैं डिप्टी डायरेक्टर था, कि आप सब छोड़ छाड़ के लेख लिखना बंद करिए, आर्टिकल लिखना बंद करिए, किताबें लिखना बंद करिए, कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता, खासकर सरकार में तो बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो आप, मैंने कहा फिर सर मेरे लिए आदेश, तो बोले आप जाइए बच्चों से बात करिए। तीन चार साल में लगातार छोटे छोटे शहरों में घूमता रहा हूँ, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़ वगैरह वगैरह वगैरह, यूरो बिहार से लेकर अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर से लेकर, और मैंने एक 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 करवट सोते देश की अंतरात्मा में करवट बदलती देखी है। सन 2009, 2010, 11, 12, 13 मोदी वेव के आने के पहले ये करवट बदलनी शुरू हो गई थी। आरएसएस वाले बेचारे और ये कई लोग, यू नो, गली गलूचों के कॉर्नर पे भारत माता की वो तस्वीर आपको याद है, भारत माता की तस्वीर जिसके ऊपर वो शेर पे बैठी हुई है, वो कोने कोने में मैंने देखी। मेरे को बड़ी हैरत हुई, मैंने जाके डोवल साहब को बोला कि सर देर इज अ सेकेंड राइज ऑफ नेशनलिज्म जो इस देश में आज हो रहा है, और उस नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए द ग्रेटेस्ट आइकन इज सुभाष चंद्र बोस। आज हम उसका स्मरण करेंगे, आज हम उसके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इन इटसेल्फ इट विल रेज आवर कॉन्शियसनेस, इन इटसेल्फ इट विल रेज द नेशनल कॉन्शियसनेस एंड गेट नेशनलिज्म बैक, और उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अंग्रेज गए लेकिन आपको ऐसे बांट के गए, याद रखें 1857 में जब पहला गदर हुआ था तो अंग्रेजों ने कहा इस देश को ऐसा बांटो कि ये फिर इकट्ठा होके बगावत ना कर सके, और उन्होंने 1872 में पहला कास्ट सेंसस शुरू किया। क्या आप जानते हैं, आप कास्ट का बड़ा, हम गर्व से अपना कास्ट बोलते हैं आज, अंग्रेजों ने ये इसको बढ़ाना, इसको तूल दी, बढ़ावा दिया ताकि आप लड़के मरते रहो आपस में। हर गैजेटियर, हर डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर में आपका कास्ट पूछा जाने लगा, लिस्ट बनने लगी, पहले कास्ट पे बांटा, फिर देखा ये काफी नहीं है, सेपरेट रिलीजियस इलेक्टोरेट्स दिए, पहले मुसलमान भाइयों को, आज पाकिस्तान बन गया, फिर हमारे सिख भाइयों को दिए, और उसका फिर हमारा गदर हमको सहना पड़ा। उसके बाद जबकि 1980 की दशक में गदर हुआ पंजाब में ईसाई भाइयों को, तो वहाँ नॉर्थ ईस्ट में गदर शुरू हो गया, मतलब वो जाने के बाद भी गदर की दरार, गदर का बीज छोड़ के गए थे, बो के गए थे। रोने की बात ये है कि हमारे अपने नेताओं ने कास्ट को उछाला है। आप जानते हैं जिस तरह से कास्ट को उछाला गया, मंडल आयोग को लाया गया, ये लाया गया, आज सब लोग, आज गुज्जर हैं, मीना हैं, फलाने हैं, ढिमकाने हैं, बख्शी हैं, यादव हैं, ये हैं, अहीर हैं, कुर्बी हैं, भारतीय कौन है? आप में से भारतीय कौन है? यू सी, हम लोग ये कास्ट वो कास्ट, ये धर्म वो धर्म। सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी में आपका ना कोई धर्म पूछता था ना कोई जात, यू आर एन इंडियन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। और वही भारतीय सेना में भी वही चीज आई, भारतीय सेना में भी आजाद हिंद फौज का ही नारा आया है, जय हिंद, जय हिंद का नारा किसने दिया हमको? इस शख्स ने दिया, नेताजी ने दिया। और इसलिए भाइयों और बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं, हम केवल आज एक शर्लॉक होम्स की डिटेक्टिव स्टोरी पे नहीं है कि नेताजी को क्या हुआ, कौतूहल है, लेकिन केवल कौतूहल के लिए हम ये मांग नहीं कर रहे, हम अपना वजूद पहचानने के लिए ये मांग कर रहे हैं। और ये खोज में आप अपने आप को खोजेंगे, यू विल फाइंड योर सेल्फ इन दिस सर्च, यू विल फाइंड योर सेल्फ इन दिस सर्च, यू नीड टू फाइंड योर सेल्फ इन दिस सर्च। वेयर यू आर गोइंग डिपेंड्स ऑन वेयर यू केम फ्रॉम, एंड यू केम फ्रॉम, यू गॉट योर फ्रीडम बिकॉज ऑफ वन मैन एंड हिज आर्मी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या ऐसे आदमी को टॉर्चर करके मारा गया? तो क्या हक था उन लोगों, और क्या नेहरू सरकार को यह पता था कि वो फॉरेन प्रिजन में है और वो टॉर्चर हो रहे हैं? और अगर पता था तो उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? किसने राज किया हमारे ऊपर, किसने राज किया हमारे ऊपर? क्या आप वाकई में आजाद हुए? अंग्रेजों ने उसे आजादी क्यों नहीं बोला? Why was the Union Jack not brought down, जबकि तिरंगा झंडा ऊपर फहराया जा रहा था? क्योंकि इसके पीछे वो राज है, और वो राज जब आप झांकेंगे उसमें आप अपनी अपनी सूरत देखेंगे कि हम कौन हैं, हम कितना सह सकते हैं, Who are we as Indians? I think ये वजूद पहचानना जरूरी है। इसलिए ये जो एक
छोटी सी क्रांति जो कौतूहल से शुरू हुई है, ये आपको अपना वजूद दिखाएगी। प्लीज इसमें हिस्सा लीजिए। यू नीड टू री इन्वेंट योर सेल्फ, योर नीड टू री इन्वेंट योर नेशनलिज्म, और वो उसके लिए जो आइकन आपका है आप उसको पकड़ लें, आप बहुत कुछ अपने बारे में जानेंगे कि वाकई में इस देश में ऐसे भी हिंदुस्तानी थे जिन्होंने आखिरी कतरा खून का अपना दिया, चाहे यतना सहनी पड़ी, चाहे टॉर्चर, बट ही डिड व्हाट ही हैड टू डू, ही डाइड सर्विंग दिस कंट्री। और वो अगर हम में चेतना आ जाए, वी हैव क्रॉस्ड, हम पार हो गए, सागर तर गए, भव सागर तर गए। ये एक कलेक्टिव सर्च फॉर आर कलेक्टिव आइडेंटिटी है। प्लीज इसको गड़े मुर्दे उखाड़ने की एक्सरसाइज तक मत सीमित करिए, अपना इतिहास रीराइट करने की ये एक मुहिम है विच कंसर्न्स अस ऑल, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज जॉइन, प्लीज स्प्रेड दिस मैसेज सो दैट वी कैन गो फर्दर। आई विल नाउ रिक्वेस्ट माई वेरी डियर कोलीग अनुज धर। इससे ज्यादा मैंने इसको विवेकानंद में देखा था पहले, इस चीज पे, सब्जेक्ट पे काम करते, जिस मेहनत लगन से एज अ वन मैन आर्मी, एट व्हाट ग्रेट पर्सनल कॉस्ट दिस मैन हैज फॉट, आई थिंक ही डिजर्व्स अ वेरी वेरी पेशेंट हियरिंग। थैंक यू सो मच।